जय प्रभु यीशु, जय यीशु, आमीन। आइए हम खड़े हो जाएं, अपने दिलों को हम तैयार करें, मनों को तैयार करें प्रभु यीशु की स्तुति करने के लिए और उसको धन्यवाद देने के लिए, क्योंकि वो सारी आराधना के योग्य है। आमीन। सारी स्तुति के योग्य है। आमीन। सारी प्रशंसा के योग्य है। आमीन। आइए अपने आंखों को हम बंद करें, हर एक जन अपने हाथ को स्वर्ग की ओर उठाए, और इससे पहले कि हम गीतों को गाएं, मैं चाहूंगा कि आप अपने दिल से, आभारी हृदय से यहोवा परमेश्वर को आप धन्यवाद दें उसके करुणा के लिए, उसके भलाइयों के लिए, लेकिन इन सबसे बढ़कर उसकी उपस्थिति के लिए हमारे मध्य में। आज की सुबह यहोवा परमेश्वर हमारे मध्य में उपस्थित है, और उस उपस्थिति का आनंद आपको और मुझे उठाना है। तो मैं चाहूंगा कि हम लोग सब एक साथ मिलकर उसको धन्यवाद दें। आइए आवाजों को उठाइए, आवाजों को उठाकर उसको धन्य कहें, उसको धन्य कहें। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यहोवा परमेश्वर, आपकी करुणा के लिए, आपके भलाइयों के लिए, आपकी अगुवाई के लिए, आपके मुहैया के लिए। आप हमारे संग संग हैं इस बात के लिए, आप हमारे हाथ को अपने हाथों में थामे हैं इस बात के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्य हो प्रभु यीशु का नाम। हालेलुया। एक धन्यवाद रूपी तालियों का भेंट हम चढ़ाएं प्रभु यीशु को। ओ यस, उसके नाम को महिमा मिलने पाए। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। गाइए, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, तेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, तेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। बना तू मेरी खामोशियों को, समझा तूने प्रभु। हालेलुया, मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। ताली बजाए, हर एक जन ताली बजाए। हालेलुया, हालेलुया, उसके नाम को महिमा मिले। दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु, तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। हालेलुया, दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु, इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, तेरा पहला पहला प्यार। तू
आकार है, तू अवर्णित है, तू सुंदर है। मैं चाहूंगा जितने भाई लोग हैं सारे पुरुष आप आवाज उठाएं, अवर्णित है तू सुंदर है मेरा पहला पहला प्यार, ओ तू अवर्णित है तू सुंदर है मेरा पहला। अब केवल महिलाएं रेडी, हम लोग सिर्फ ताली बजाएंगे, सिर्फ ताली बजाएंगे। Play the instruments. Everyone join in. Come on. धन्य हो प्रभु यीशु का नाम, धन्य हो प्रभु यीशु का नाम। यीशु का लहू सामर्थी लहू, उस लहू में वो सामर्थ पाई जाती है जो किसी और चीज में या व्यक्ति में या बात में नहीं पाई जाती है, केवल और केवल यीशु का लहू। आज के दिन हम प्रभु के मेज में शामिल होने जा रहे हैं। जितनों ने उस लहू के द्वारा अपने जीवन को धोया है वे उसमें हिस्सा लेने जा रहे हैं, क्योंकि वे जानते हैं इस लहू का सामर्थ, इस लहू के अंदर क्या उपलब्ध है, इस लहू के द्वारा और इस लहू के द्वारा हम क्या 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 हम कर सकते हैं इस लहू के द्वारा। केवल और केवल यीशु का लहू है जो वो सामर्थ रखता है, और आज के दिन इस लहू का हम आनंद भी और उत्सव भी मनाएंगे। हालेलुया, धन्य हो प्रभु यीशु का नाम। आइए इस अगले गीत को हम गाएंगे एक साथ मिलकर। इसका धुन थोड़ा सा एक पुरानी फिल्मी ट्यून के आपको याद दिलाएगा, लेकिन आप लोग वो ना गा डालिएगा जो हम गाने जा रहे हैं, उस गीत को गाइए। ऑलराइट रेडी, 1 2 3 4 लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है, मसा मसा मसीह का मसा, मसा मसा मसीह का मसा, बंधन सारे खोलता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है, मसा I love you।
खुदावन का लहू, यीशु का लहू। हालेलुया, हालेलुया। क्यों ना हम अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर उसको हम धन्यवाद दे उस बहाए हुए लहू के लिए जो यीशु ने क्रूस पर आपके लिए और मेरे लिए बहाया। उस लहू के लिए हम धन्यवाद दें, क्योंकि उस लहू में वो सामर्थ रखता है कि आपको पाप के बंधन से छोड़ सकता, छुड़ा सकता है, पाप के श्राप से मुक्ति दिला सकता है, हर एक प्रकार के बंधन से वो आपको मुक्त कर सकता है, हर शैतानी शक्ति का सामना करने के लिए केवल और केवल यीशु का लहू ही है। हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद। यीशु ने ना केवल क्रूस पर उस लहू को बहाया, परंतु उसके कोड़े खाने के द्वारा भी उसके शरीर से लहू बहा, उसके सर पे कांटों का ताज पहनाते हुए भी उसके सर से लहू बहने लगा। जब कभी भी वो लड़खड़ा कर गिरा, उसके घुटने छिले, जहां जहां उसका शरीर जमीन पर गिर पड़ा, वहां वहां घाव में से लहू बहता गया। सर से लेके पैर के तलवे तक हर हिस्सा शरीर का उसमें से यीशु का लहू बहने लगा, और उसने जानकर ये बहने दिया, क्योंकि उसे मालूम था कि इस लहू के द्वारा ही मनुष्य इंसान अपने पापों से मुक्ति पा सकता है, और कोई जरिया नहीं। हालेलुया, हालेलुया, धन्य हो प्रभु यीशु का नाम। अपने आंखों को आइए हम बंद करें, हम धन्यवाद दें प्रभु यीशु को। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ धन्य हो प्रभु यीशु, धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओ धन्यवाद प्रभु यीशु। वसीले से पाऊं शिफा, सूली पे है काम बख्शी मेरी जिंदगी, कोई बीमारी अब ना छू सके। हाथ उठाकर गाएं, तू चंगा करता है, तू चंगा करता है यीशु, तू चंगा। अंगीकार करें, जीवन देता है, तू जीवन देता है यीशु, तू जीवन देता है। हालेलुया, अंगीकार करें आज की सुबह, चंगा करता है यीशु, यीशु चंगा करता है, तू जीवन देता है। हालेलुया, जीवन देता है यीशु, तू जीवन। फिर से गाइए, तू चंगा करता है, तू चंगा करता है, तू चंगा करता है, तू चंगा करता है, स्वर्ग से धरती पे, पर
करता है, तू चंगा करता है, यीशु तू चंगा करता है, तू जीवन देता है, तू जीवन देता है, यीशु तू जीवन देता है। हालेलुया। आज की सुबह जब हम इस गीत को गा रहे हैं, अगर आप उनमें से हैं जिन्हें चंगाई की आवश्यकता है, शारीरिक रूप से अगर आपको परमेश्वर की चंगाई की आवश्यकता है, हो सकता है भावनात्मक रूप से हम टूटे हुए हैं और चाहते हैं प्रभु आप मुझे चंगा करिए, क्यों नहीं इस गीत को जब हम दोबारा गाएंगे आप अपने हाथों को उठाकर विश्वास करिए प्रभु आपकी चंगाई, जो हम गा रहे हैं उस पर विश्वास करें आज की सुबह कि प्रभु तू चंगा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और स्वर्ग से इस धरती पर वो चंगाई को भेजेगा आज की सुबह। आइए जिन्हें चंगाई की आवश्यकता है वो हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं विश्वास में आज की सुबह। जब हम दोबारा इस गीत को गाएंगे उन्हें दे विश्वास बन जाए आज की सुबह कि प्रभु तू चंगा करता है। हालेलुया। यीशु तू चंगा करता है, तू जीवन देता है, तू जीवन देता है, यीशु तू जीवन देता है, तू चंगा करता है। हाथों को उठाकर विश्वास कर, प्रभु तू चंगा करता है, तू चंगा करने वाला परमेश्वर यहोवा राफा। और आज की सुबह प्रभु तू चंगा करने के लिए यहाँ पर मौजूद है। तू चंगा, तू जीवन देता है, तू जीवन देने वाला परमेश्वर। ओ लिखा बाबा बा शिखा ले विश्वास करिए शिखेरे धरती पे बरसे तेरी चंगा। बोलिए स्वर्ग से विश्वास के साथ, विश्वास के साथ आप इस बात की घोषणा करें, स्वर्ग से धरती पे बरसे तेरी चंगा। तू चंगा करता है, तू चंगा करता है, यीशु तू चंगा करता है, जीवन देता जीवन देने वाला परमेश्वर, वो चंगा करने वाला परमेश्वर, आज की सुबह वो परमेश्वर यहाँ मौजूद है। ओ आइए प्रार्थना करें। ओ अगर आपको चंगाई की आवश्यकता है आज की सुबह विश्वास करिए वो चंगा करने वाला परमेश्वर। ओ यस, ओ यस, खबा बाबा शिखे रे बेबे शांतर बोरी खराबा। ओ रललाबा शिखे रे बेबे शांतर बोरी खराबा। ओ रिखे बेबे शिखरा बाबा बाबा शांतर बोरी था। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ रिखे बेबे शिखरा बाबा बाबा शांतर बोरी खराबा। ओ प्रभु तेरी चंगाई, तेरी चंगाई बहने पाए आज की सुबह, तेरी चंगाई प्रभु, क्योंकि तू चंगा करने वाला यहोवा राफा, ओ बंधनों को तोड़ने वाला, शांति देने वाला परमेश्वर। ओ रिखा बाबा बा शिखे रे बे 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 शांतर बो रिखा रबा। ओ यस, हाँ प्रभु अपनी चंगाई को भेज, अपनी चंगाई को भेज प्रभु। ओ रिखा बाबा बा शिखे रे बे 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 शांतर बो रिखा रबा। आज की सुबह जो हमने गाया है अगर वो हमारा विश्वास है तो हम चंगे हो गए हैं। हालेलुया। जो हमने गाया है अगर वो हमारा विश्वास है तो प्रभु ने एक नया जीवन हमें दिया है। हालेलुया।
Hallelujah, hallelujah. Oh, rika baba ba shikere bebe shandoro bori karaba. The word of God tells us. और परमेश्वर का वचन हमें बताता है. That He blesses a cheerful giver. कि वो एक आनंदित हृदय से देने वाले व्यक्ति को आशीषित करता है. And that means. और इसका मतलब है. When you give with a clap offering, praise the Lord. When we are happy, we clap our hands, don't you? और जब हम आनंदित होते हैं, जब हम खुश होते हैं, तो हम ताली भी बजाते हैं. I attended a church where they took at least 5 or 6 times offering. और मैं एक ऐसी कलीसिया में भी था जहाँ पर उन्होंने 5 या 6 बार उन्हें offering या भेंट लेना पड़ा. And whenever that offering, each offering was taken, they were clapping their hands for the joy of giving. और वो जितनी बार भी वो भेंट ली जा रही थी, हर बार वो आनंद के साथ अपने ताली को बजाकर परमेश्वर को, क्योंकि वो आनंद से भरे थे कि वो परमेश्वर को कुछ दे सके. And so we praise the Lord for God's goodness. और इसलिए हम परमेश्वर की भलाई के लिए उसका धन्यवाद करते हैं. You are here because God has blessed you. और आप आज की सुबह यहाँ पर हैं क्योंकि परमेश्वर ने आपको आशीषित किया है. He kept you. उसने आपको बनाए रखा. Praise God. परमेश्वर के नाम का स्तुति. And all because of His faithfulness. उसकी विश्वास योग्यता के कारण. Amen. Amen. I want you to, I request you to pray for me continuously. मैं चाहता हूँ आपसे विनती करना कि आप निरंतर मेरे लिए प्रार्थना करिए. Because I survive by your love and by your prayers. क्योंकि मैं आपके प्रेम और प्रार्थनाओं के द्वारा ही जीवित हूँ और अपनी सेवा को कर पा रहा. Because I know my own limitations. क्योंकि मैं अपनी सीमाओं को जानता हूँ. Praise the Lord. परमेश्वर के नाम का स्तुति हो. The devil is out there to destroy people. और शैतान वहाँ पर है कि वो लोगों का नाश करे. That's what Jesus said. और यही यीशु ने कहा. He is a thief. कि वो एक चोर है. And why does a thief visit your house? और क्यों एक चोर आपके घर पर आता है? The thief comes but to steal and to kill and to destroy. और एक चोर चोरी करने, घात करने और नाश करने के लिए आता है. These are the 3 activities he had. और यहाँ चोर की ये 4 गतिविधियाँ हैं जिन्हें वो करेगा. But then Jesus said, I have come that you may have life and that you may have it more abundantly. लेकिन यीशु ने कहा, मैं इसलिए आया कि तुम्हें जीवन मिले और बहुतायत का जीवन. Life is to be lived. और जीवन जीने के लिए है. Praise the Lord. परमेश्वर के नाम का स्तुति हो. Anyone remember what scripture passage I read last Sunday? आप में से किसी को याद है किस वचन के भाग को मैंने पिछले रविवार को प्रचार किया या बोला था? I got it. मुझे मिल गया. See the same message, एक ही संदेश में, but people hear it in different way. लेकिन लोग दूसरे तरीके से अलग-अलग वचनों को सुनते हैं. That is exactly what is happening. You all the scripture verses you said is correct. जितने भी वचन आप लोगों ने बताए सब सही हैं. But my text was Hebrews chapter 10 verse 25. लेकिन जो वचन जिससे मैंने प्रचार किया था वो था इब्रानियों की पुस्तक उसका 10वां अध्याय 25वां वचन. And I think I have finished the introduction. अब मुझे ये पता है जहाँ तक कि मैंने जो शीर्षक था उसकी शुरुआत करी और समाप्त कर दिया. And then I promise you that today I will complete the message. और मैंने ये वादा किया था कि आज की सुबह मैं इस संदेश को समाप्त करूँ. What does Hebrews 10:25 says? इब्रानियों की पत्री उसका 10वां अध्याय 25वें वचन में किस प्रकार क्या लिखा है? By the way, before we read it again, और इससे पहले कि इस वचन के भाग को हम दोबारा पढ़ें, I want you to know that Hebrews 10:25 is one of the most important scripture verses that all of us must remember and practice it. मैं चाहता हूं कि आप सब इस बात को समझिए कि इब्रानियों की पुस्तक उसका 10वां अध्याय 25वां वचन सबसे महत्वपूर्ण वचनों में है जिसको हमें जानना और उसका अभ्यास करना है. No believer can be a true believer in the sight of God unless you know the scripture and practice it. और कोई भी विश्वासी परमेश्वर की नजरों में सच्चा विश्वासी नहीं ठहरेगा जब तक आप वचन को ना जाने.
Let us read it one more time. आइए वचन के इस भाग को एक बार और हम पढ़ लें. And I, anyone remember what was the last sentence I spoke? और आप में से किसी को याद है जो अंतिम भाग था उसमें मैंने क्या बोला था? I have a very trustworthy person here to whom I can ask. और यहाँ पर एक विश्वास योग्य व्यक्ति है जिससे मैं ये पूछ सकता हूँ. And that is Shaini. She takes down all the notes. क्योंकि जो बहन Shaini है वो सब नोट्स लिखती रहती है. Anyway, anybody remember what was my conclusion? आप में से किसी को याद है कि मेरा निष्कर्ष क्या निकला था पिछले? I only spoke the introduction. सिर्फ विषय पे मैंने बात करा था. Then I also said that today I will speak the rest. और उसके पश्चात मैंने बोला कि आज के रविवार में बचे हुए संदेश को लेकर के आऊंगा. Anyone remember? किसी को याद है? What is that? पुष्पा, वो पूछ रहे हैं आखिरी क्या बोला उन्होंने, क्या प्रचार किया. He's not asking the scripture verse, नहीं, the last sentence last I spoke. उन्होंने प्रचार किया अंत में. I think you quoted from Rome. From, yeah. This one. That is exactly. The scripture here says, do not neglect the coming together or gathering together as God's people. और वचन के इस भाग में हम पढ़ते हैं और देखते हैं कि एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ो. You read the whole verse as it is. और इब्रानियों की पत्री उसका 10वां अध्याय 25वां वचन, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो त्यों त्यों और भी अधिक यही किया करो. Now there are differences of opinions concerning the author of the book of Hebrews. और इब्रानियों की जो पुस्तक है उसको लेकर अलग अलग विचार हैं कि इसका लेखक कौन है. Some says Apollos wrote it. कोई कहता है कि अपोलोस ने लिखा है. Apollos was a tremendous scholar. और अपोलोस जो है एक बहुत अच्छा बाइबल का शिक्षक और धर्मशास्त्रियों में से था. He was an excellent teacher. और बहुत अच्छे बाइबल के शिक्षकों में से था. He could explain the scriptures. Scriptures at that time was the Old Testament. और वो वचन को व्यवस्था को बड़ी अच्छी रीति से समझा सकता था, और उन दिनों में जो व्यवस्था थी वो पुराना नियम था. And so the book of Hebrews was written by Apollos, some say. कुछ कहते हैं कि अपोलोस ने लिखी है. Some says it is written by somebody else. और कुछ कोई कहता है किसी और ने लिखा. There are several names they mention. कई सारे नामों को उस सूची में रखा गया है कि किसने इसको लिखा. Including Apostle Paul. जिसमें पौलुस प्रेरित का भी नाम है. Now there is no clear-cut evidence. और ऐसा कोई स्पष्ट सबूत नहीं है कि इस पुस्तक का लेखक कौन है. बट ईच वन कैन हैव देयर ओन आइडिया. लेकिन हर एक के पास अपना विचार हो सकता है. कंसिडरिंग द लैंग्वेज यूज्ड एंड द हाउ थिंग्स आर एक्सप्लेन्ड. किस प्रकार की भाषा और शब्दों का प्रयोग किया गया है उस आधार पर भी हम लेखक को ढूंढ सकते हैं. Now if you ask me, Pastor, what do you believe? Who wrote this? और अगर आप मुझसे पूछेंगे कि पास्टर आप क्या विश्वास करते हैं, कौन किसने लिखा? For some reason, the Holy Spirit has not allowed the author to write the name. और किसी कारण पवित्र आत्मा ने यह अनुमति नहीं दिया लेखक को कि वो अपने नाम को इस पर लिखने दे. So it is undesignated. तो इसीलिए इसका कोई लेखक को नाम नहीं है. Nobody is very sure who wrote. और ये कोई भी सुनिश्चित नहीं कर सकता किसने लिखा है. But then scholars, you know, and study and all, they conclude their own conclusion. लेकिन जो बाइबल को शास्त्र को पढ़ते हैं, इस बाइबल को पढ़ते हैं, वो इस बात का निष्कर्ष निकालते हैं पढ़ने के बाद किसने लिखी है. If you ask me, Pastor, what do you believe? Who wrote this? अगर आप मुझसे पूछेंगे कि पास्टर किसने लिखा है, My answer will be absolutely my personal. You don't have to believe it. मेरा उत्तर व्यक्तिगत उत्तर है और आपको उस उत्तर पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है. I believe it was Apostle Paul. मेरा ये विश्वास है कि ये पौलुस ने लिखी है. I have my reason to believe. और मेरे पास अपने कारण है ये विश्वास करने. By the way, please don't believe that because I said it. और इस बात को इसलिए मत विश्वास करिएगा कि मैं कह रहा हूँ कि पौलुस लेखक है. If you have a scholarly mind, read the book of Hebrews and study and then compare it with the Paul's letter and others
letter and make your own conclusion. It does not affect your salvation. Whatever you believe, you will still go to be with the Lord in heaven. So no problem. और इसलिए अगर आपका दिमाग उनमें से है जो पढ़ना चाहता है, जानना और समझना चाहता है, तो आप पौलुस की बची हुई 13 पत्रियों की तुलना इससे कर सकते हैं और ये कर देख सकते हैं कि किस प्रकार की भाषा शैली का प्रयोग किया गया और कौन लेखक है. लेकिन ये सब मायने नहीं रखता, क्योंकि आपका विश्वास और उद्धार पर किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा और आप फिर भी स्वर्ग जाएंगे. You didn't say more than I said? No? Achha, okay. Now, who wrote the book of Genesis? उत्पत्ति की पुस्तक किसने लिखी? मूसा. Are you sure? मूसा जो बोल रहे हैं, क्या आप सुनिश्चित हैं मूसा नहीं लिखी है? The problem with us is, हमारे संग समस्या ये है, even if you tell the right thing, अगर आप सही चीज भी बताएंगे, if I ask one more time, are you sure? Then he started doubting. तो अगर मैं एक बार और भी पूछूंगा ना, तो फिर आपके अंदर संदेह आ जाएगा, पास्टर पक्का फंसाने की कोशिश कर रहे हैं. How many books Musa wrote? मूसा ने कितनी किताबों को लिखा है? He said five. और शंकर कह रहे हैं पांच, विनय भाई भी कह रहे हैं पांच. आर यू श्योर? क्या आप सही हैं? या ही रोट फाइव बुक्स, पांच किताबों को लिखा है. दीज फाइव बुक्स टुगेदर कॉल्ड व्हाट इज दैट वर्ड, पेंटेटुक. Torah, yes. It is called Torah, all these five books combined. और इन पांचों किताबों को एक साथ मिलाकर तौरत या तोरा के नाम से जाना जाता है. Where did Musa get all this information in the book of Genesis? और उत्पत्ति की पुस्तक में ये सारी जानकारी मूसा को कहां से प्राप्त हुई? And Exodus. और निर्गमन की पुस्तक. I mean, he didn't live, Musa didn't live during Abraham's time. और मूसा जो है अब्राहम के समय में था, जीवित था. So how did he know about? There is a contemporary of Abraham. और अब्राहम के ही समय में एक और व्यक्ति भी था. And there is a book in the Old Testament in his name. और पुराने नियम में उस व्यक्ति के नाम में भी एक किताब है. That name is Job. और अय्यूब. You all are familiar with Job. और अय्यूब के नाम को आप सब जानते हैं. What a suffering he went through. और कितने दुख और पीड़ा उसको उठाना पड़ा. That Job lived during Abraham's time. और अय्यूब अब्राहम के समय पर रहा. And everything that happened in the life of Moses, the whole book of Job took 1 year. और जो अय्यूब की पूरी किताब है उसको पूरा करने में एक साल लगा. 1 year of his suffering. और पूरा एक साल तक उसको दुख और पीड़ा उठाना पड़ा. And you know everything that I don't know whether you know everything. That is one of my favorite books from which I have several messages. और अय्यूब की किताब उन किताबों में से एक है जो मेरा व्यक्तिगत रूप से पसंदीदा किताब है और जो कई सारे संदेशों को मैंने उसमें से तैयार किया. And so here we are, the book of Hebrews. Whoever wrote this, he had a thorough knowledge of the Old Testament scriptures. और जिस किसी ने भी इब्रानियों की किताब को लिखा है उसको पुराने नियम के विषय में बहुत अच्छा ज्ञान था. Of all the names that people use, और उन सारे नामों का जिसका प्रयोग लोग करते हैं, Apollos and Paul qualified to be writer of this book, Hebrews. Apollos और Paulus इस बात में आते हैं सूची में कि वो इब्रानियों की किताब के लेखक ठहरे. चैप्टर 10 वर्स 25. दसवां अध्याय 25वां वचन. व्हाट डिड वी रीड देयर? वहां पर हमने क्या पढ़ा? डू नॉट निग्लेक्ट द कमिंग टुगेदर. एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें. एज द हैबिट ऑफ सम. जैसा कितनों की रीति बन गई है.
That means, इसका मतलब है, even in the first century church, कि पहली सदी की कलीसिया में भी, there were people who neglected and who didn't think coming together is so important. ऐसे लोग मौजूद थे जिनको ऐसा लगता था कि एक साथ इकट्ठा होना, एक साथ इकट्ठा एक मंडली रूप में आना, आराधना करना जरूरी नहीं. So the author of this book instructs us. और इसलिए इस किताब का लेखक इस बात को दिशा निर्देश देता. Do not follow those who follow this. They don't consider the coming together something important. और वो कहता है कि ऐसे लोगों का उदाहरण मत देखो या उसके अनुसार मत चलो जो ऐसा करते हैं. In other words, दूसरे शब्दों में, you don't listen to the words of those who neglected the coming together. और आप ऐसे लोगों के शब्द को नहीं सुनते जो एक साथ इकट्ठा होने नहीं चाहते या आना नहीं चाहते. And seeing them, और उनको देखना, you will begin to listen to your own silent voices that comes out of you. आप अपने आप की उन आवाजों को सुनने लगेंगे जो आपके भीतर से बाहर आएंगी. अरे, you don't have to go today. और वो इस प्रकार कहेंगे, आज जाने की जरूरत नहीं. Today is heavy raining. आज बहुत भारी बारिश हो रही है. Today some guests are coming. आज के दिन कुछ लोग मेहमान आ रहे हैं. And you have that appointment. और कुछ और आपने लोगों से मिलने का नहीं बनाया. So, Don't listen to those. ऐसी आवाजों को मत सुनिए. I repeat what I said last Sunday. और पिछले रविवार को जो मैंने कहा था मैं उसे दोहराऊंगा. If a guest is planning to come and visit you Sunday morning, अगर कोई मेहमान ये योजना बना रहा है कि रविवार की सुबह वो आए और आपसे मुलाकात करे, you tell them, आप उनसे बताइए, you are very welcome, I am looking forward to your आपका coming. बहुत स्वागत है, आप आइए और मैं आपके आने का इंतजार कर रहा हूँ. But since you are planning to come on Sunday, लेकिन क्योंकि आप रविवार को आने की योजना बनाते हैं, I leave the house at 8:30. मैं 8 बजे सुबह घर छोड़ देता या देती हूं, to go to my church. कि मैं कलीसिया में जाऊं. And so if you come by 8:30, अगर आप 8:30 तक आएंगे, we can go together. हम एक साथ मिलकर जा सकते हैं. And bring that person और also. उस व्यक्ति को भी, अपने मेहमान को भी कलीसिया और that family. और उस परिवार को भी कलीसिया ले आएं. Let them come with you. वो आपके साथ आएं. Sit here. यहाँ पर बैठें. Listen to whatever is happening. और सुने परमेश्वर के वचन से. Who knows? क्या पता? That person may be convicted. कि उस व्यक्ति को पवित्र आत्मा कायल कर, and he may acknowledge Christ as Lord. प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु जानकर उद्धारकर्ता जाने. Not because I preached, इसलिए नहीं कि मैं प्रचार करता, but because of your faithfulness in attending the church. लेकिन आपके विश्वास योग्यता के कारण कि आप कलीसिया के एक संगी हैं, भाग बनते हैं. Because you chose to come, क्योंकि आप ये चुनते हैं कि आप कलीसिया आएंगे. You brought your guest also. और आप अपने मेहमान को भी साथ ले. That act of bringing that person, और उस काम को जो आप उनको लेकर आते हैं, may cause his salvation. वो उनके उद्धार का काम भी बन सकता And है. You get the reward. और आपको इसके लिए एक बड़ा पुरस्कार मिलेगा. You don't know how God works. और आपको नहीं पता परमेश्वर कैसे काम करता है. If you are tired, अगर आप थके हुए हैं, sick, या बीमार हैं, stumbling, या लड़खड़ा रहे हैं, unneedful, और या कोई जरूरत है, have bad attitude, या कोई बुरा स्वभाव आपके or पास, you are angry, और या आप गुस्से में हैं, God says, परमेश्वर कहता है, assemble. Assemble. एक साथ इकट्ठा हो. If you are going through these problems, अब इन सारी समस्याओं से अगर निकलते हो, and you know what God's reason? और आपको पता है परमेश्वर का क्या कारण है? He says, वो कहता है, it is in the atmosphere and environment of obedience. क्योंकि ये आज्ञाकारिता और विश्वास योग्यता के इस वातावरण में, I can deal with you. मैं तेरे संग अपने काम को करूंगा. And in the presence of my people, और मेरे लोगों की उपस्थिति में, in my sanctuary, मेरे मंदिर में, there, वहाँ पर, I can refresh you. मैं तुझे फिर से तरोताजा कर दूँगा. I can renew you. मैं तुझे फिर से नया बना दूँगा. I can restore you. और मैं तुझे फिर से पहले जैसा कर दूँगा. And bring you back to full health. और फिर से तुझे पूरी चंगाई दे दूँगा. In my presence, मेरी उपस्थिति में, in my sanctuary, मेरे भवन में, among my people, मेरे लोगों के बीच, I will do this miracle. मैं इस चमत्कार को करूँगा for you. तेरे लिए.
What a promise. कितना अच्छा वादा है. Very often we miss God's blessing. कई बार हम परमेश्वर की आशीषों को पाने से चूक जाते. Because we choose to stay at home because guests are coming. और क्योंकि हम ये चुनाव करते हैं कि आज मेहमान आ रहे हैं तो चर्च नहीं जाएंगे. So when you do that, जब आप ऐसा करते हैं, you are declaring without words that my guest is more important than my God. और जब आप ऐसा कर रहे हैं तो बिना बोले ही आप इस बात की घोषणा अपने काम के द्वारा दिखा रहे हैं कि मेरा मेहमान परमेश्वर से बढ़कर है. Is God going to punish you that day? क्या परमेश्वर आपको वहां पर दंड देगा उस दिन? No. नहीं. He has given you the freedom. उसने आपको आजादी दी है. But what you are doing, लेकिन जो आप कर रहे हैं, you are missing that wonderful time when you could have experienced something victorious, some healing, some miracles, some answers to your question. आप एक अद्भुत समय को आप आनंद उठा सकते थे, अपने प्रश्नों का उत्तर परमेश्वर से पा सकते थे, अपनी चंगाई को पा सकते थे. Then I started saying, और उसके पश्चात मैंने ये बोला, that the command to assemble has a reason. कि वो आज्ञा कि इकट्ठा होना उसके पीछे एक कारण है. And that reason is the truth that there is power in corporate worship. और वो कारण सत्य ये है कि एक साथ इकट्ठा होकर प्रार्थना करने में एक सामर्थ्य शक्ति है. There is tremendous power generated when we worship and raise our voices to God in worship. और एक अद्भुत सामर्थ्य और शक्ति प्रकट होता है जब हम एक साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना और स्तुति करते हैं. Worship has that power. और आराधना में वो सामर्थ्य है to heal you, कि आपको चंगा कर दे, to set you free, और आपको आजाद कर दे, and to baptize you in the Holy Spirit, और आपको पवित्र आत्मा में बपतिस्मा दे. Many people receive the baptism of the Holy Spirit while worshiping with the people of God. कई लोगों को पवित्र आत्मा का जो बपतिस्मा मिला है वो मंडली में इस तरीके से इकट्ठा होकर जब वो एक साथ प्रार्थना कर रहे थे तब मिला है. And then last Sunday I also said, coming together, gathering together is not man's idea. और पिछले रविवार को मैंने ये भी बताया था कि एक साथ आना, इकट्ठा होना कोई परमेश्वर की योजना नहीं. It started by God Himself. लेकिन ये तो परमेश्वर के द्वारा ही इसकी योजना बनाई. It is God's idea. ये परमेश्वर की योजना है. So when you come to church, और इसलिए जब आप कलीसिया में आते हैं, you are being obedient to God. आप परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी ठहरते हैं. He is the one who introduced this. क्योंकि वही है जिसने इस बात को शुरू किया. So if you read Exodus chapter 25 verses 22 verses 2 and 8 and 22, और अगर आप निर्गमन की पुस्तक उसका 25वां अध्याय दूसरा और 28वें वचन को पढ़ेंगे, and also 22 और 22वें वचन को पढ़ेंगे, God himself is speaking to Moses. कि परमेश्वर खुद मूसा से बात कर रहा है. Tell my people, मेरे लोगों से कह दे, when they come together, जब वो एक साथ इकट्ठा होते हैं, they must also bring an offering to me. तब वो मेरे लिए एक भेंट को लेकर भी आएं. Whose idea is the gathering together? ये इकट्ठा होना एक साथ किसका विचार है, किसकी योजना है? God's idea. ये परमेश्वर का योजना है. Why he wanted? और क्यों वो चाहता है? He wanted his people to be blessed. क्योंकि वो चाहता था कि उसके लोग आशीषित हो. There is a blessing. और एक आशीष वहाँ पर मौजूद है. And we will conclude this passage. और इस वचन के भाग को हम समाप्त करेंगे. By talking about the benefit of coming together. और ये बात करते हुए कि एक साथ इकट्ठा होने का क्या लाभ है? That reason is the truth that there is power in not only in corporate worship. और ये सच्चाई कि ना केवल एक साथ इकट्ठा होने और आराधना करने में सामर्थ है. What is the benefit of corporate worship? लेकिन एक साथ आराधना करने में क्या लाभ है? It protects you. ये आपकी रक्षा करता है. Hallelujah. Hallelujah. So you may speak these words. और आप इन शब्दों को बोल सकते हैं. This sentence. इस वाक्य को. When I come to gather together in the house of God. जब मैं आता हूँ परमेश्वर के भवन में एक साथ इकट्ठा होकर. That gives me a protection. तब वो मुझे रक्षा देता है. How many of you want a protection?
आप में से कितनों को रक्षा की आवश्यकता है? My brothers and sisters, what we need most is our protection these days. मेरे भाइयों और बहनों, इन दिनों में सबसे ज्यादा जिस बात की आवश्यकता हमें है वो है सुरक्षा. All kinds of evil dark forces are now more getting more active in India. हर प्रकार की अंधकार की शक्तियां, दुष्ट आत्माएं और कार्यशील हो रही हैं. All working against God's plan for you. और वो सारे परमेश्वर की योजनाओं के विरुद्ध काम करना चाहते हैं जो आपके जीवन में है. और आपके दिलों में डर को डालने के द्वारा. Don't give in to those fears. ऐसे डरों में खुद को ना दें. So what are the benefits? और इसलिए क्या लाभ हैं एक साथ इकट्ठा होने के? What are the protections? और वो किस प्रकार की सुरक्षा है? Coming together will protect you from what? और एक साथ आना आपको किस बात से बचाएगा? Number one. पहली बात. Into the giving into the spirit of this world, it will protect you from giving to the spirit. और एक साथ इकट्ठा होना आपकी रक्षा करेगा कि आप अपने आप को इस संसार के आत्मा के अधीन ना दे दे. आमेन. ओह, द डेविल इज आउट देयर टू ब्रिंग बैक टू हिम दोज हुम ही हैज लॉस्ट. और शैतान तो वहां बाहर इंतजार करता है उन लोगों को अपनी ओर वापस लाने के लिए जिसको वो खो चुका है. एवरी टाइम अ पर्सन गिव हिमसेल्फ टू द लॉर्डशिप ऑफ जीसस. और इसीलिए हम कहते हैं कि एक को अपने आप को प्रभु यीशु मसीह की प्रभुता में देना जरूरी है. एंड बी ओबीडिएंट टू जीसस. और यीशु के प्रति आज्ञाकारी होना जरूरी है. द डेविल इज लूजिंग वन मोर सोल. तभी उसी वक्त शैतान एक आत्मा को हार जाता है. नो किंग लाइक्स टू लूज एनी ऑफ हिज सिटीजंस. और कोई भी राजा अपने नागरिक को खोना पसंद नहीं करता. The devil does not like losing any of his people who are in his pocket. और इसलिए शैतान उन लोगों को खोना, उन आत्माओं को खोना नहीं चाहता जो उसके उसमें बनी हुई. So when a sinner is convicted of sin. और इसलिए जब एक पापी पापों के प्रति कायल किया जाता है. How? कैसे? By coming into the house of God. परमेश्वर के मंदिर, उसके भवन में आने के द्वारा. Joining with the gathering of God's people. और उसकी मंडली, उसके लोगों के संग जुड़ने के द्वारा. The gospel is preached. और वो सुसमाचार का प्रचार किया जाता है. And you are convicted of sin. और आपके पापों के प्रति आपको कायल किया जाता है. And you repent. आप मन फिराते हैं. And you ask Jesus to come and take over your life. और आप यीशु से कहते हैं कि प्रभु आप आइए और मेरे जीवन पर अपना कब्जा लीजिए. And something wonderful happens. और कुछ अद्भुत हो जाता है. That is your salvation. यही आपका उद्धार है. And now, और अब Jesus runs your life. अब यीशु मसीह आपके जीवन को चलाता है. Hallelujah. Hallelujah. Oh yeah, when Jesus runs my life. और जब यीशु मसीह मेरे जीवन को चलाता है. He has been running my life for the last over 75 years. वो मेरे जीवन को पिछले 75 सालों से चला रहा है. That is a long life. और ये एक लंबा जीवन है. And now 75 years is old, over. और अब 75 साल समाप्त हो चुके हैं. Still I am following Jesus. और अभी भी मैं यीशु के पीछे चलता हूँ. And Jesus grows sweeter and sweeter each day. और यीशु मेरे लिए हर दिन मीठा होता जाता है. Hallelujah. Hallelujah. I don't want to deny him at any time. मैं किसी भी वक्त उसका तिरस्कार नहीं करना चाहता. Now I have a hope. अब मेरे पास एक आशा है. You know this coming together. और ये एक साथ इकट्ठा होना. From my childhood. पहले मेरे बचपन से. Even before I could read a word from the Bible. इससे पहले कि मैं वचन बाइबल से कुछ भी पढ़ भी सकूं. We always went to church. हम हमेशा कलीसिया गए. Did I understand? क्या मुझे कुछ समझ में आया? Not many things. कई सारी बातें समझ में नहीं आई. But everything that I enjoyed in the church. लेकिन हर एक वो बात जिसका आनंद मैंने कलीसिया में उठाया. As I grew. जैसे मैं बढ़ा. I wanted Jesus. मुझे यीशु की आवश्यकता थी. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. परमेश्वर के नाम का. God is a good God. परमेश्वर एक भला परमेश्वर है. Amen. Amen. Don't you want Jesus? क्या आपको यीशु की आवश्यकता नहीं? Not for your convenience. और आपकी सुविधा के लिए नहीं. But for His glory. लेकिन उसकी महिमा के लिए. He will not force you. वो आपके ऊपर कोई दबाव नहीं बनाएगा. But He told you the truth. लेकिन उसने आपको सत्य बता दिया. It is for you to obey. और ये आपके लिए है कि आप आज्ञाकारी बने. Amen. Amen. Praise the name of Jesus. Secondly. दूसरी बात. It protect you from losing touch.
touch with the spirit of anticipation of the return of the Lord. और वो आपकी रक्षा एक साथ इकट्ठा होना आपकी रक्षा करता है कि आप उस आशा से चूक ना जाएं या उसको भूल ना जाएं कि वो आ रहा है अपने लोगों के लिए. What is our hope? हमारी आशा क्या है? Why do we follow Jesus? क्यों हम यीशु के पीछे चलते हैं? Why are we willing to pay the price? और क्यों हम दाम चुकाने के लिए तैयार हैं? And be faithful to him. और उसके प्रति विश्वासी योग्य रहने के लिए. Because of the hope he has given us. क्योंकि वो आशा जो उसने हमें दी है. And he is the only one who has given us a hope for eternity. और वो सिर्फ एकमात्र ऐसा है जिसने हमें अनंत की आशा को दिया है. Hallelujah. Hallelujah. When I die, जब मैं मेरी मृत्यु होती है, Jesus did not say, well, after the 50 more years, you will be born as a dog or monkey or something like that. और यीशु ने ऐसा नहीं कहा कि 50 साल में जब तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी उसके बाद तुम दोबारा जन्मोगे एक बंदर के रूप में, एक कुत्ते के रूप में या कुछ और रूप में. And then that monkey dies. और वो जो बंदर है उसकी मृत्यु हो जाती है. Then after a few years, that monkey will be born as a kadda or some donkey. और उसके पश्चात किसी और दूसरे जानवर में उसका जन्म होगा. We don't know, it will go on and on and on. और ये जो चक्र है ये चलता रहेगा. No end. और इसका कोई अंत. What is the hope? तब आशा क्या है? But our Lord Jesus Christ. लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह has given us one hope. एक आशा हमें दी. Hallelujah. Hallelujah. What is that hope? और वो आशा क्या है? While you are alive. जब आप जीवित हैं. If you follow him. अगर आप उसके पीछे चलते हैं. When you die. जब आपकी मृत्यु होती है. Your soul will go directly to be with Jesus. सीधे प्रभु यीशु मसीह के पास जाते हैं. And then when he comes back, और जब उसका पुनरागमन होगा, you will be resurrected, तब आपका पुनरुत्थान होगा, and you receive your resurrection और body, आपको आपका पुनरुत्थान हुआ हुआ शरीर मिलेगा, and with that body, और उस शरीर के you साथ, you live with Jesus forever and ever and ever and ever and ever, और तब आप यीशु मसीह के साथ अनंत के लिए जिएंगे. Hallelujah. Hallelujah. He has not left us in any confusion. उसने हमें किसी भी प्रकार की कंफ्यूजन में या भटकता कर नहीं. उसने हमें किसी भी प्रकार की ऐसी योजना में नहीं रखा. He has कुछ given नहीं us a certain hope. लेकिन उसने एक निश्चित आशा हमें दी. And है. That's why it is called a living hope. और इसीलिए हम इसे एक जीवित आशा कहते हैं. Because Jesus is alive. क्योंकि यीशु मसीह जीवित है. His hope that he has given us is a living hope. और वो आशा जो उसने हमें दी है वो एक जीवित आशा है. That hope will not die. और वो आशा की मृत्यु नहीं होगी. Amen. Amen. There are three things that are eternal. और तीन ऐसी बातें हैं जो अनंत के लिए हैं. What are they? वो क्या हैं? No. There are three things. तीन बातें हैं जो अनंत की हैं. First Corinthians 13. पहला कुरिन्थियों 13वां अध्याय. विश्वास, आशा एंड प्रेम. थ्री थिंग्स आर एवरलास्टिंग. ये तीन बातें विश्वास, आशा और प्रेम अनंत के लिए. एंड व्हाट इज द ग्रेटेस्ट ऑफ दीज थ्री? और इन तीनों में से सबसे बड़ा या महान कौन है? प्रेम. सब लोग चिल्लाइए प्रेम. That's why Jesus said, "Love one another." और इसीलिए यीशु ने कहा एक दूसरे से प्रेम रखो. Love God. और परमेश्वर से प्रेम रखो. Love should always be sincere. और हमारा प्रेम हमेशा सच्चा होना चाहिए. Love is lasting. और जो प्रेम है वो बरकरार रहता है. All the gifts of the Holy Spirit will come to an end. और पवित्र आत्मा के सारे वरदान जो है अंत हो जाएंगे. Hallelujah. Hallelujah. But these three will last. लेकिन ये तीन बने रहेंगे. Love. Hope and faith. और वो प्रेम, आशा और विश्वास. Even in eternity. और अनंत में भी. We will be living with these three things. हम इन तीन बातों के साथ जिएंगे. Amen. Amen. Praise the name of Jesus. परमेश्वर के नाम की स्तुति. Let us always remember. हमेशा याद रखिए. Amen. Amen. So we come. So it protects you from neglecting our role as stewards of gifts for which we will be accountable when he comes. और एक साथ इकट्ठा होना हमारा सहायता करता है कि हम बड़ी जिम्मेदारी के साथ भंडारी होने का जो लेखा हम पर सौंपा गया है
उन तोहफों और वरदानों का उसको जिम्मेदारी से निभाइए जानते हुए कि इस बात का न्याय होगा। So the first benefit is, और इसलिए जो पहला लाभ है, it protects you from giving into the spirit of this world। हम इस संसार की आत्मा में जाने से इकट्ठा होना हमारा हमें बचाता है। There is also a scripture, Romans chapter 12. We read last week, you know. और पिछले रविवार को ये वचन हमने पढ़ा भी था, रोमियों की पत्री 12वां अध्याय। And the second reason is, और जो दूसरा लाभ है, it protects losing touch with the spirit of anticipation of the return of the Lord Jesus Christ. एक साथ इकट्ठा होना हमारी रक्षा करता है कि हम उस धन्य आशा से निरंतर जुड़े रहें कि वो उसका आगमन Jesus given us a hope. अब क्योंकि प्रभु यीशु ने एक आशा हमें दी है. It is this hope that helped the martyrs to remain true to death. और ये तो ये आशा ही है जिसने इन लोगों का मदद किया जिन्होंने अपने प्राण यीशु के लिए दिए. So if any one of you is arrested, और इसलिए आप में से कोई भी अगर गिरफ्तार किया जाए, taken to prison, और उसे जेल ले जाया जाए, and they are ready to shoot you, और वो तैयार हैं आपको गोली मारने के लिए, और torture you, या आपको ताड़नाओं से ले जाने के लिए, slowly kill you, और धीरे-धीरे करके आपको मारने के लिए, you know what you should do, तब आपको पता है आपको क्या करना, your minds should be concentrating on the promise of Jesus, तब आपका मन परमेश्वर के वादों की ओर लगा होना चाहिए, do not fear the one who can kill only your body, और से उसका भय मत रखो जो सिर्फ तुम्हारे शरीर को मार सकता है। हालेलुया हालेलुया। At that time you must remember this, और उस वक्त आपको ये याद रखना है, they can only kill and destroy my body, सिर्फ ये मेरे शरीर को मार सकते हैं, उसका नाश कर सकते हैं, but he cannot destroy my soul, लेकिन मेरी आत्मा का नाश नहीं कर सकते। हालेलुया हालेलुया। The moment you leave your body, जिस क्षण आप अपने शरीर को छोड़ते हैं, your soul is with Jesus, तब आपका आत्मा प्रभु यीशु के साथ है। हालेलुया हालेलुया। And you will never be separated from Jesus, और तब आप यीशु से कभी भी जुदा ना होंगे। आमेन आमेन। Keep that hope alive, और इस आशा को अपने भीतर जीवित रखें। आमेन आमेन। God is a good God, he is faithful to keep his promise, और वो विश्वासी योग्य है कि वो अपने वादे को पूरा करे। He will not forsake you, और वो कभी भी आपको छोड़ेगा नहीं। It is a matter of absolute obedience, और ये विषय है हमारी पूर्ण आज्ञाकारिता का। So you should not neglect your role as stewards of gifts, और इसलिए हमें अपनी उस जिम्मेदारी को नहीं भूलना है कि परमेश्वर ने हमें भंडारी होने के लिए बुलाया है। For which we will be accountable to God, जिसके लिए हमें परमेश्वर को लेखा देना होगा। I must tell you this, मैं आपको ये बता देना, each one of you have been given some gifts, some abilities that others don't have. You may not be able to stand here and preach. You may not be able to stand here and play the keyboard and leading you into worship. No, sing. Sometimes, you know, I don't sing. That is the best contribution I can make. और वो सबसे अच्छा मेरा सेवा है परमेश्वर के लिए। So I better be quiet. और इसलिए मैं शांत रहता हूँ। Because I don't follow their key. क्योंकि मैं जो उनकी ताल है उसमें अपना ताल नहीं बजा सकता। And their pitch. और उनका जो स्केल है जिस स्तर पर वो गाते हैं। And so I rather keep quiet when you are singing. अच्छा ही है कि मैं शांत रहूँ जब आप गाते हैं। I actually read or say my song, और मैं तो अपने गीत को पढ़ता हूं या बोलता हूं। Isn't it? I have a blessed assurance, और हमारे पास एक धन्य आशा है। Jesus has given me, और यीशु ने उस आशा को हमें दिया है। You have a gift, और आपके पास भी एक तोड़ा है। No one can say I don't have any gift, और कोई भी ये नहीं कह सकता कि मेरे पास कोई तोड़ा नहीं है। You have, आपके पास है। Don't neglect it, और उस तोड़े को के तिरस्कार मत करिए। Your gift may not be playing or singing or leading or preaching or anything like that,
और आपका तोड़ा हो सकता है कोई गीत गाने का अगुवाई करने का ऐसा कोई तोड़ा ना हो, बट योर गिफ्ट में भी, और आपका तोहफा आपका वरदान ये हो सकता है, यू कैन अट्रैक्ट पीपल By your personality. आप अपने व्यक्तित्व के द्वारा दूसरों को खींच कर ला सकते हैं. Stand at the gate. और आप उस द्वार पर खड़े हो सकते हैं. Welcoming people. लोगों का स्वागत करने के लिए. How do you welcome people? और कैसे आप लोगों का स्वागत करते हैं? Not with a frowning face. और ना एक झुके हुए चेहरे, गुस्से चेहरे के साथ. No smile. जिसमें कोई मुस्कुराहट नहीं. Looking at you itself, the fellow will say, "Why should I come here? Look at him." और आपको देखते ही अगला व्यक्ति भी कहेगा, अरे भाई मैं कहाँ आ गया इस व्यक्ति की शक्ल देखने के लिए. He is frowning at me. और वो तो मुझे देख करके ऐसे घूरता है. You know, there was a survey taken many years ago. और एक कई साल पहले एक सर्वे को किया गया. You know about the church attendance. और कलीसिया में जितने लोग आते हैं उनकी गणना के विषय में. You know what they discovered? आपको पता उन्होंने क्या पाया? 80% of the people attend a church because of the way they were welcomed. 80% लोग इसलिए उस कलीसिया में जाते हैं या जा रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से उनका स्वागत उस कलीसिया में किया गया. Some people have a smiling face. और कुछ लोगों के पास वो मुस्कुराता हुआ चेहरा रहता है. Like my wife. जैसे मेरी पत्नी. She inherited it from her father. और उन्होंने इस बात को अपने पिता से लिया. Her father was a very very fair man. और उन... like a disciple, like a missionary. और वो उनके जो पिता थे वो दिखने में बहुत गोरे व्यक्ति थे. And on that bright colored face, he always had a natural smiling face. और उस चेहरे पर हमेशा एक प्राकृतिक मुस्कुराहट उनकी बनी रहती थी. And my wife was like that. और मेरी पत्नी भी उसी प्रकार की थी. She is still remembered by her smile and by her gentleness. और अभी भी लोग उनको उनकी मुस्कुराहट और विनम्रता के द्वारा याद करते हैं. She was so much loved by the members of this church. और इस कलीसिया के लोग उनसे इतना प्रेम करते थे. One fellow got angry with me. और एक व्यक्ति मुझसे गुस्सा हो गया. Because I was little strict about how he should behave. क्योंकि मैं इस बात को लेकर थोड़ा सा कठोर हूँ कि कैसे व्यवहार करना चाहिए. So he got little upset. और वो थोड़ा सा निराश हो गए. Then he shouted and shouting at me, he said. और चिल्लाकर मुझसे कहा, Pastor. पासवान. Do you know you don't build the church? कि आप कलीसिया नहीं बनाए हैं. And I asked you, then who builds the church? सर उसने तब मैंने पूछा किसने बनाया? Oh, Pastor Amachi built the church. कि जो आपकी पत्नी है उन्होंने इस कलीसिया को बनाया. And that was true. और ये सच है. A pastor's wife can either break or build his life. ये पासवान की पत्नी ही उसकी सेवा और जीवन को या तो बना सकते हैं या तो तोड़ सकते हैं. And my wife was a beautiful builder. और मेरी पत्नी एक अच्छा बनाने वालों में से थी. And on the day of her funeral. और उनके दफनाए जाने के दिन. I shall never forget the crowd. I was wondering where all these people मैं उस भीड़ को भूल नहीं सकता कि कितने सारे लोग वहाँ मौजूद थे. मुझे खुद नहीं पता इतने सारे लोग कहाँ से आए. I started getting calls from America, from Gulf and all over the world. और अलग अलग राष्ट्रों से मेरे पास कॉल आने लगा. One fellow was literally crying over the phone. और एक व्यक्ति तो कॉल पर रो रहा था. And then here also one fellow came and he was crying like. और यहाँ पर भी एक व्यक्ति आया और वो रो रहा था. And I asked them. और मैंने उनसे ये पूछा. Why you cry so much? और क्यों आप इतना रो रहे हो? Pastor, you don't understand. पास्टर आप इस बात को समझते नहीं. I met her only once. एक ही बार मैं उनसे मिला था. But I can never forget her. लेकिन मैं उनको भूल नहीं सकता. Her smiling face and gentleness. उनका जो मुस्कुराता चेहरा और विनम्रता. My brothers and sisters. मेरे भाइयों और बहनों. It is better than a singing gift. ये गाने वाले वरदान या तोहफे से बढ़िया है. It is better than a playing gift. और ये किसी यंत्र को बजाने से अच्छा तोहफा. It is better than a leading gift. और यह अगुवाई करने से भी एक अच्छा तोहफा है. By your gentleness. कि आपकी विनम्रता के द्वारा. By your smile. आपकी मुस्कुराहट के द्वारा. The way you welcome people. जिस तरीके से आप लोगों का स्वागत करते हैं. With both arms outstretched. अपने दोनों हाथों को खुला रखकर. They feel welcome. उनको
स्वागत महसूस they होता feel है they are wanted. और उनको लगता है कि उनकी जरूरत This है. Is the place I want to come. और इसीलिए वो कहते हैं यही वो स्थान है जहां मैं जाऊंगा या जाऊंगी. 80% of the people attend the church. और 80% लोग इसीलिए कलीसिया में जाते हैं. Oh, I pray that all of us will be blessed with that wonderful gift. और मेरी ये प्रार्थना है कि हम में से हर एक इस तोहफे के संग आशीष But where, whatever your gift is, लेकिन जो कोई भी आपका तोहफा क्यों ना हो, you know, आप जानते Silently हैं। you can minister to the people. और शांति से आप लोगों को सेवा कर सकते Prayer is something that everyone can do. और प्रार्थना एक ऐसा तोड़ा है जो सब कर सकते हैं। And you can spend hours in prayer. और घंटों आप प्रार्थना में बिता सकते हैं। Hallelujah. Hallelujah. We need people like that. और हमें ऐसे लोगों की आवश्यकता है। Praying people are never forgotten by God. और याद रखिए प्रार्थना वाले प्रार्थना करने वाले लोगों को परमेश्वर कभी भूलता नहीं। D.L. Moody may have been the greatest evangelist during his time. और D.L. Moody अपने समय के सबसे बड़े सुसमाचार प्रचारकों में से हो सकते हैं। But when we reach heaven, लेकिन जब हम स्वर्ग पहुंचेंगे, there is an old widow living in London. और एक विधवा वृद्ध है, एक वृद्ध विधवा है जो लंदन शहर में रहती है। During D.L. Moody's time, और D.L. Moody के समय में, that lady. Unknown to the world. और वो महिला जिसको संसार नहीं जानता, that lady is going to receive the greatest award, more than D.L. Moody. तब उस महिला को सबसे बड़ा पुरस्कार मिलेगा D.L. Moody से भी बढ़कर. You know why? आपको पता है क्यों? D.L. Moody had a vision. क्योंकि D.L. Moody को एक दर्शन परमेश्वर ने दिया. And he was taken into heaven. और वो स्वर्ग में उस दर्शन में ले जाएगा. And an angel was appointed to guide him and show him all the mansions. एक स्वर्गदूत को परमेश्वर ने नियुक्त किया कि स्वर्ग में मौजूद हर एक स्थान को वो D.L. Moody को दिखाए. And he was the greatest evangelist. और वो सबसे बड़े सुसमाचार प्रचारकों में से थे. And thousands of souls have been brought into the kingdom of God. और परमेश्वर के राज्य में हजारों और हजारों की संख्या में वो लोगों को लेकर गए. So naturally he thought. और इसलिए स्वाभाविक था उन्होंने सोचा. Certainly the greatest and biggest most beautiful palace or mansion in this place will be mine. कि स्वर्ग में सबसे बड़ा राजमहल मेरा ही होगा. And they came in front of such a और ऐसे ही एक राजमहल के सामने वे आए. Suddenly D.L. Moody stopped. और अचानक से D.L. Moody रुक गए. And asked the angel. और स्वर्गदूत से पूछा. Is this prepared by God the Father for me? क्या इसे परमेश्वर पिता ने मेरे लिए तैयार किया है? To his greatest disappointment. लेकिन उनकी सबसे बड़ी निराशा के लिए. The angel said no. स्वर्गदूत ने कहा नहीं. Who? Then for whom? तब उन्होंने पूछा किसके लिए तैयार किया है? And the angel said. स्वर्गदूत ने कहा. There is an old widow. एक वृद्ध विधवा है. Living in London. जो लंदन शहर में रहती है. It is for her. ये उसके लिए है. Huh? What does she do? और वो क्या कर रही है? वो क्या सेवा करती है जो इतना बड़ा पुरस्कार उसके लिए? How many souls she has won? कितनी आत्माओं को वो परमेश्वर के राज्य में लाई? And the angel said. और स्वर्गदूत ने कहा. Ever since she heard about D.L. Moody. जब से उसने D.L. Moody के नाम को सुना. She has given herself to intercede and pray for evangelist D.L. Moody. तब उसने अपने आप को दे दिया कि वो निरंतर D.L. Moody के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना को करेगी. This mansion is for her. और इसलिए ये महल उस महिला के लिए है. Hallelujah. 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 It is not how many miles you travel. ये मायने नहीं रखता कि कितनी लंबी दौड़ आप यात्रा करते हैं. How many countries you visited. कितने बड़े-बड़े राष्ट्रों में या कितनी जगहों पर आप जाते हैं. How much you preached. और कितना प्रचार आप करते हैं. If you are able to do anything at all. अगर आप कुछ भी कर सकते हैं. Because somebody is praying for you. क्योंकि कोई तो आपके लिए प्रार्थना कर रहा है. बिली ग्रहम he had a 24 hour prayer team. उसके उनके पास भी 24 घंटे की प्रार्थना का एक दल था. wherever he went, जहां कहीं भी वो गए, he did not cried and when he gave an altar call. और कभी भी रोए नहीं जब एक वेदी के सामने उन्हें लोगों को आने के लिए बुलाया. he simply said, उन्होंने सिर्फ साधारण रूप से कहा. Now you heard the gospel. आपने सुसमाचार को सुन लिया. You know now the truth. आप अब आपको सत्य पता है. If you want to commit your life to Jesus. और अब आपको अगर अपने जीवन को यीशु को समर्पित करना है. He did not say. उसने ऐसा नहीं कहा. You stand up.
कि खड़े हो जाओ and then those who stand up come forward और अब जो खड़े हो वो आगे आ जाओ then you pray this prayer after me और इस प्रार्थना को मेरे बाद करो no नहीं he simply said उन्होंने सिर्फ इतना कहा now the door is open for you to enter कि अब ये दरवाजा खुला है आपके लिए कि आप इसमें प्रवेश करें meet with God परमेश्वर से मुलाकात करें you want to commit your life to the lordship of Jesus और आप अपने आप के जीवन को प्रभु यीशु मसीह की प्रभुता में समर्पित there is your desire और ये अगर आपकी इच्छा है wherever you are seated जहां कहीं पर भी आप बैठे हैं rise up and make your way to the altar उठ खड़े हो और आकर वेदी के निकट आ जाएं You know, his crusades were attended by not one or two, though 5,000 people. और 1-2,000 या 5,000 लोग उनकी सभा में नहीं आते थे. But it is always big number. हमेशा बड़ी लाखों की गिनती में लोग वहाँ मौजूद. 50,000. 50,000 लोग. 100,000. 1,00,000 लोग. In one crusade. एक सभा में. You will see. From every part of that crowd, और उस भीड़ के हर एक भाग से people are standing, लोग खड़े हो जाते थे they are coming, और वो सामने आते standing at the altar, और वो वेदी पर खड़े हो जाते थे That is genuine conversion. और वो है सच्चा मन फिराना. What is the secret? और उसका गुप्त क्या है? That 24-hour prayer team. वो 24 घंटे का प्रार्थना का दल Hallelujah. Hallelujah. I am the pastor here. और मैं यहाँ पासवान हूँ. I depend on your prayer. मैं आपकी प्रार्थनाओं पर निर्भर हूँ. Only because of your love and prayer. और सिर्फ आपके प्रार्थना और प्रेम के द्वारा. I am able to do anything at all. मैं जो कर रहा हूँ वो कर पा रहा हूँ. So continue to pray. और इसलिए निरंतर प्रार्थना करते रहें. Hallelujah. Hallelujah. That's the way we can fill the heaven. और इस तरीके से हम स्वर्ग को भर देंगे. And when I stand before God. और जब मैं परमेश्वर के सामने हम खड़े हों. To give an account of my life. अपने जीवन का लेखा देना के लिए. And my gift. और मेरे तोड़ों का लेखा देने के लिए. That I should not be lost. तब मैं खोया हुआ व्यक्तियों में से नहीं होना चाहिए. And you will be blessed. By God Himself. और परमेश्वर खुद आप ही आपको आशीषित करेगा. Because of your love. क्योंकि आपका प्रेम. Because of your prayers. और आपकी प्रार्थनाओं के कारण. Hallelujah. Hallelujah. God is faithful. परमेश्वर विश्वास योग्य है. God is faithful. परमेश्वर विश्वास योग्य है. You know, I close by reading 3 psalms. और तीन भजन को पढ़ने के बाद मैं इस सभा को समाप्त करूंगा. 92:13 and following the verses. भजन संहिता 92 और उसका 13वां वचन. You know what it says there. अब आपको पता है वहां क्या किस प्रकार लिखा. Those that be planted in the house of the Lord shall flourish in the courts. Of the Lord. वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे. Who will be फूले and फलेंगे? कौन फूलेगा और फलेगा? No, हाँ ये what यहोवा का भवन में what is that word? Rooted, yeah. जो यहाँ इस भवन में रोपे जाएंगे Those who are rooted, और वे जो रोपे जाएंगे Hallelujah. Where? कहाँ पर? In the house of God. परमेश्वर के भवन में. In the house of God. परमेश्वर के भवन में. They shall flourish. वो फलेंगे और फूलेंगे. Hallelujah. A tree has to be rooted in one spot in order to be fruitful. और एक पेड़ को एक वृक्ष को एक स्थान पर जड़ पकड़ना जरूरी है कि वो फल लाए और बढ़े. But you know there are so many walking trees these days. लेकिन इन दिनों में बहुत चलने वाले पेड़ भी मौजूद हैं. One day they come here. एक रविवार वो यहाँ होंगे. Where are you from?
आप कहाँ से हैं? I am from so and so place. मैं इस स्थान से हूँ. So which church you go to? किस कलीसिया जाते हैं? Well, I don't go to one particular church. I am just experimenting. I am visiting all the churches. मैं किसी एक कलीसिया नहीं जाता या जाती, लेकिन मैं हर कलीसिया का जाकर अनुभव कर रहा हूँ. If you are a tree planted in the house of God, अगर आप एक ऐसे वृक्ष हैं जो परमेश्वर के भवन में रोपे गए हैं, then you will be fruitful. तब आप फलवंत होंगे. Not if you keep visiting churches. तब फलवंत नहीं होंगे जब अलग अलग कलीसियाओं में जाते हैं. Because he gives himself no opportunity to be in one place and be planted and be watered and be nourished and helped. क्योंकि वो व्यक्ति अपने आप को वो मौका ही नहीं देता कि उस स्थान पर रोपा जाए, उसे पानी दिया जाए, खिलाया पिलाया जाए आत्मिक रीति से और बड़ा किया जाए. Some people are visiting all the churches in order to find a perfect church. और कुछ लोग ऐसे हैं जो एक सिद्ध कलीसिया की खोज में हैं और इसलिए हर संडे हर रविवार वो अलग अलग कलीसिया में पाए जाते हैं. Any church he goes. और किसी भी कलीसिया में वो जाते हैं. People are frowning. और लोग जो हैं गुस्से में हैं. They don't laugh. वो हंसते नहीं. Their welcome itself is horrifying. और उनका स्वागत करना ही डरावना है. You know, there is no friendship there. कोई मित्रता नहीं. Terrible. और बड़ा भयानक परिस्थिति है. Praise God. We all fail in this. हम सब इस बात में असफल हैं. Praise God. But who shall flourish? लेकिन कौन फलेंगे और फूलेंगे? Who shall bear fruit? जो परमेश्वर के If the Lord has led you here, अगर परमेश्वर आपको यहाँ लेकर के आया, and you realize that this is the place I want to be, और आप इस बात को समझते हैं ये वो स्थान है जहाँ मैं रहना चाहता हूँ, be faithful, तब विश्वास योग्य बने रहिए, don't go here and there, तब इधर उधर मत भटकिए, to be confused, ताकि आप परेशान हो. Here is the place where we teach the word of God. ये वो स्थान है जहाँ हम परमेश्वर के वचन को सिखाते हैं. And when you grow according to God's word, और जब आप परमेश्वर के वचन अनुसार बढ़ते हैं, you are built upon the truth of God's word, तब आप परमेश्वर के वचन के सत्य पर बनते हैं, you will flourish, तब आप फलेंगे और फूलेंगे. Do you want to be flourished? क्या आप चाहते हैं कि आप फले और फूलें? Amen. I want to flourish and grow and bear fruit. और मैं तो बढ़ना चाहता हूँ और फलवंत बनना चाहता हूँ. Amen. Amen. Who wants to be? और कौन ऐसा बनना चाहता है? You want to grow. आप बढ़ना चाहते हैं. You want to flourish. आप फूलना चाहते हैं. And you want to bring forth fruit. और आप फलवंत बनना चाहते हैं. Become useful to God. और परमेश्वर के लिए उपयोगी बनना चाहते हैं. If that is your desire. अगर ये आपकी इच्छा है. Then if God has led you here. और अगर तब परमेश्वर आपको यहाँ लाया है. Remain here. तब यहीं बने रहें. Be a planted tree. तब एक ऐसे पेड़ बनिए जो रोपा गया हो, जड़ जिसकी. Then only you can grow. तभी आप बढ़ सकते हैं. Then only you will be established in the truth of God's word. तभी आप परमेश्वर के वचन के सत्य में बने रहेंगे. Then Psalm number 33. भजन संहिता 133. Yeah. देखो यह क्या ही भली और मनोहर बात है. yes. कि भाई लोग आपस में मिले रहें. यह तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र के छोर तक पहुंच गया. ये हेमोन की उस ओस के समान है जो सियोन के पहाड़ों पर गिरती है. यहोवा ने तो वही सदा के जीवन की आशीष ठहराई है. आमीन. Did you understand that language? क्या आपको वो भाषा समझ में आई? How pleasant it is for brethren to be together. कितनी मनोहर और भली बात है जब भाई परमेश्वर में एक साथ पाए जाते हैं. How does that psalm end? और वो कैसे उस भजन संहिता का अंत होता है? There the Lord has commanded a blessing. और उसका अंत ऐसे होता है सदा के जीवन की आशीष प्रभु ने वहीं ठहराई है. Where? कहां पर? Where brothers, that includes sisters also, everyone, जहां gathers together. भाई और बहन एक साथ इकट्ठा होकर संगति करते In the assembly. परमेश्वर के भवन में. Where people gathered in his name. तब जहां पर उसके लोग उसके नाम में इकट्ठा होते हैं. How blessed it is for brethren to be together. तो कितना धन्य बात है जब एक साथ हम इकट्ठा होते हैं. God has
announced a blessing. और वहाँ पर परमेश्वर ने एक आशीष की घोषणा करी. We don't want to miss that blessing. और उस आशीष को हम खोना नहीं चाहते. Amen. Amen. Let us stand. आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु. And then Psalm number 82:1. और उसके बाद भजन संहिता 82. Listen. उसका पहला वचन. Listen to this. और इसको ध्यान पूर्वक सुन लीजिए. God standeth in the congregation of the mighty. परमेश्वर की सभा में परमेश्वर ही खड़ा है. वह ईश्वरों के बीच में न्याय करता है. Amen. Amen. God stand up. और परमेश्वर सभा में खड़ा. In the midst of the mighty. और उस परमेश्वर ही खड़ा है. That is here. और वो यहाँ इस सभा में. Do you know that right now God stands amongst us? क्या आपको पता है आज की सुबह इस वक्त परमेश्वर हमारे संग खड़ा है. Hallelujah. Hallelujah. He is there. He is here. वो यहाँ पर है. He is by your side. और वो आपके साथ है. Hallelujah. Hallelujah. He is touching you. और वो आपको छूता है. He is healing you. वो आपको चंगा करता है. That's why when we come together and worship the Lord. और इसीलिए जब हम एक साथ आकर परमेश्वर की आराधना करते हैं. That worship would generate a tremendous power to heal and deliver. तब वो आराधना एक अद्भुत सामर्थ्य को पैदा करता है चंगा करने के. And even many people are filled with the Holy Spirit. कई सारे लोग अन्य भाषा से भर जाते हैं. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. You want to be full of the Holy Spirit. आप पवित्र आत्मा से भरे हुए होना चाहते हैं. Come where the mighty people are gathering together. तब आइए वहाँ पर जहाँ शक्तिशाली लोग इकट्ठा होते हैं. Who is mighty for God? और परमेश्वर के लिए कौन शक्तिशाली? Those who remain faithful to Him. वे जो उसके लिए विश्वास योग्य ठहरते हैं. Who is able to withstand all the persecution. और हर सताव से होकर निकलते हैं. And no storm can destroy. और कोई भी तूफान उन्हें हिला नहीं सकता. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु. Let us lift up our hands. आइए हम अपने हाथों को उठाएं. Blessed be the name of the Lord. परमेश्वर का नाम धन्य. Lord, I thank you and I bless this congregation. प्रभु हम धन्यवाद करते हैं आपके लोगों के लिए. Everyone. हम में से हर एक के लिए. Everyone. हर एक के लिए. Standing up. जो आपके इस भवन में down. और ऊपर oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Let the touch of God inspire you and bless you and heal you and fill you with the Holy Spirit and power. और होने दे परमेश्वर आपको छुए और अपनी पवित्र आत्मा से भरे और आपको छूकर चंगा कर दे. Many miracles will happen. कई सारे चिन्ह और चमत्कार होंगे. In Jesus name. यीशु के नाम में. Hallelujah. Thank you, Jesus.